गांव पास्टा की नदी गुजरती हुई बिस्त द्वाबा नहर पुल के नीचे पानी में तैरती हुई लाश को देखकर लोगों में डर का माहौल बन गया। लाश की जानकारी मिलते ही थाना रावलपिंडी पुलिस मौके पर पहुंची। डेड बॉडी को नहर से बाहर निकालकर लोगों से शनाक्ष करवाई गई। डेड बॉडी फूल जाने के कारण पहचान नहीं हो पाई। शनाक्ष के लिए डेड बॉडी फगवाड़ा के सिविल अस्पताल में 24 घंटों के लिए रखवा दी गई है। इसकी जानकारी देते हुए थाना रावलपिंडी के SHO हरजिंदर सिंह ने बताया कि हमें जानकारी मिली थी कि बिस्त द्वाबा नहर में एक पुल के नीचे लाश अटकी हुई है। मौके पर पहुंचकर राहगीरों की मदद से लाश को बाहर निकाला और लोगों से डेड बॉडी की शनाक्ष करवाई गई। डेड बॉडी पानी से फूल जाने के कारण पहचान नहीं हो सकी। शनाक्ष के लिए डेड बॉडी फगवाड़ा के सिविल अस्पताल में 24 घंटे के लिए रखवा दी गई है। डेड बॉडी के दोनों बाजुओं पर टैटू बने हुए हैं। बाकी पोस्टमार्टम करने के बाद पता लगेगा कि मौत का क्या कारण था। अच्छा, नहर के बीचों एक डेड बॉडी मिली है, की कहना जी बारे? ये अननोन डेड बॉडी हैगी, ये बारे हजे रखी है, बार लोगों की शनाख्त करा रहे हैं। शनाख्त तो बाद देखते हैं भी जेकर हो जाए, जेकर नहीं तो इन 24 घंटे लिए सिविल अस्पताल रखा। जेकर मिल जाता सर बॉडी तो कोई सट दे चोट के निशान हजे देखिए है कोई इदा तो नहीं हजे लग रहा, बाकी पोस्टमार्टम की रस्ता कुछ समझे सर इनफॉर्मेशन ना तो अजे कोई इनफॉर्मेशन ही आई है कोई भी साडा कोई बच्चा बंदा कोई गुम है पानी के रुड़ के इतने आके फसी हुई है लगती है पुरानी लगती है। तो की कहना चाहोगे हरे देखते हैं तहकीकात करते हैं पोस्टमार्टम से की है असलियत की है। सर नहर के बीचों एक डेड बॉडी मिली है, की कहना जी बारे? ये अननोन डेड बॉडी हैगी, ये बारे हजे रखी है, बार लोगों की शनाख्त करा रहे हैं। शनाख्त तो बाद देखते हैं भी जेकर हो जाए, जेकर नहीं तो इन 24 घंटे लिए सिविल अस्पताल रखा। जेकर मास मिल जाता सर बॉडी तो कोई सट दे चोट के निशान हजे देखिए है कोई इदा तो नहीं हजे लग रहा, बाकी पोस्टमार्टम की रस्ता कुछ समझे सर इनफॉर्मेशन ना तो अजे कोई इनफॉर्मेशन ही आई है कोई भी साडा कोई बच्चा बंदा कोई गुम है पानी के रुड़ के इतने आके फसी हुई है लगती है पुरानी लगती है। तो की कहना चाहोगे हरे देखते हैं तहकीकात करते हैं पोस्टमार्टम से की है असलियत की है।